सभा तमर जो है लागत ज्यादा है और फसल पैदा कर लेता है, उसकी इनकम कम है। सरकार भी ये कह रही है कि लोन ले लो, अरे भरेंगे कहाँ से? जो 70-80 साल पहले किसान का सब कुछ साहूकारों के गिरवी रखा होता था, वही हालत दोबारा ये सरकार ले आने जा रही है। कर्जो कौन तार पावा, हम चले जावा कर्जो कौन, मारी पिड्डी ते भी कौन उतरा अगली ते भी। और अब जो सरकार कानून ले रही है उससे तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसान के ऊपर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो खेती में लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, खाद के, बीज के, दवाई के, इनके भाव बढ़ रहे हैं, और जो उपज है किसान की उसके भाव किसान को मिल नहीं रहे, इसलिए किसान के ऊपर वर्ष दर वर्ष जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। ना इलाज करवाने की पोजीशन है, क्योंकि आमदनी तो घटती जा रही है। हम देख रहे 80 के बाद जो कृषि के ऊपर जो संकट आ रहा है लगातार, भाव 80 तक तो ठीक मिले, 80 के बाद भाव जो है ठीक नहीं मिले किसान को, इसी वजह से जो है किसान जो है साल दर साल जो है पिटता चला गया भाव की वजह से। और लागत जो कृषि के पानी है, बिजली है, जो भी है खर्चा है, वो उसका लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान की आमदनी कोई नहीं बढ़ रही, तो ये कहाँ तक चलेगा? पहले भी किसान की हालत है, इसे विधेयकों से बहुत खराब हो जाएगी किसान की हालत। गुजारा पहले नहीं हो रहा, कोई डांगर पशु पालते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, वैसे गुजारा हो रहा है। खेती में तो पहले घाटा चल जाए, ये विधेयक आने से इतनी बुरी हालत हो जाएगी। क्यों, कौन पूछेगा हमारा को? मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, नाच को लेने ये कहता है मोदी के, कहीं भी बेचो, कहीं कहीं 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये दिल्ली में, कहीं ले जाएंगे, यहाँ बेचेंगे हम तो ये किसान को तो खत्म हो जाएगा किसान तो बिल्कुल भी। मोदी सरकार द्वारा एक देश एक बाजार के नाम के ऊपर जो किसानों को एक लूट का अड्डा मुहैया करवा रहे अंबानी अडानी के हाथों, इसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। और ये जो कानून आज एक देश एक बाजार की बात की जा रही है, 2006 से बिहार में लागू है, और जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है कि किस तरह बिहार का किसान वहां से बर्बाद होकर सारे देश में दर दर की ठोकने को खाने को मजबूर है। आज के हाल में किसान अपनी आजीविका ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, बच्चों की पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात है, उसका जो पेट पालने की जो बात है, जीवन चलाने की जो बात है, वो भी नहीं चल पा रहा। बच्चों के लिए जो पढ़ा तो दिए, सर्विस नहीं है, फैक्ट्रियां बंद होगी, जो 10-10, 20-20 आदमी जो काम करते थे वो जो ना वो फैक्ट्रियां GST और इसकी नोटबंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो खत्म हो गई, तो रोजगार खत्म हो गया। अब रोजगार नहीं है, बच्चे दो दो तीन तीन बच्चे जो ना घर में बेरोजगार बैठे हैं, अब उनकी भी टेंशन है। लागत लगती है जी ट्रैक्टर डीजल का, खाद का, बीज का, पानी का, ट्यूबवेल जो पानी जिससे ट्यूबवेल से लगाते हैं वो बहुत महंगा है, लागत तो निरी महंगी है, और जो फसल पैदा कर देते हैं उसकी बिक्री जो है वह नामात्र हो, फसल काफी हो जाती है, लेकिन उसका रुपया कौन दे रही गवर्नमेंट? रुपया जमा थोड़ा भाव में खरीदे हैं, इससे कम 7-8 लाख रुपए जो KCC बनवाते हैं बैंकों से खेती के ऊपर फसल कर्जा, वो लिया हुआ है और वो उल्टा देने की स्थिति में नहीं है। अब जब कारपोरेट्स के इतने तुम टैक्स माफ कर रहे हो, उनका जो ना ब्याज माफ कर रहे हो,
किसान ने क्या कसूर कर दिया, उसका जो है क्यों नहीं माफ कर रहे? एक बार किसान को भी कर्जा मुक्त कर दो ताकि वो जो अपनी जिंदगी नई सिरे से जी सके, 4% पे उसको लोन दे दो ताकि वो आसानी से भर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार तो जो है ना अब तो साफ ही दिखाई दे गया ये 5-6 साल में कि एक तरफ तो कमेरा खड़ा है सड़क के ऊपर और एक तरफ जो है उन 10% लोगों को जो पूरा जो मुनाफा दिया जा रहा है। आज इलाज इतना महंगा हो गया है कि हम इलाज करवा पाने की हालत में नहीं है। कई बार हमारे बच्चे और बुजुर्ग इलाज ना करवा पाने के कारण वो हमारे से भी छूट जाते हैं। आवारा पशुओं से परेशान है कि इन्होंने कानून बना दिया कि पशु को जो है मारोगे नहीं। अब पशु जो है वह आवारा इतने हो गए कि उनसे जो है खेती बचानी मुश्किल हो रही है। शहर के आसपास के जो किसान हैं वो तो खेती छोड़ते जा रहे हैं इन आवारा पशुओं की वजह से। हम नू चाव है या कोरोना बताओ ने, हम मास्क कौन लगावा कड़े मुख या कोरोना हो कि मर जा तो रह निकटे, कम से कम गम में रिश्तेदार हम नू तो बेइज्जती कोनी होगी, वो फांसी खा गयो गोली खा गयो। हालत ये आ रही है कि हर साल और हर महीना मतलब 200-250 किसान मर रहे हैं। अब बताइए वो क्यों मर रहे हैं? वो हरियाणा में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी खुदकुशी हो रही है, पंजाब के अंदर खुदकुशी हो रही है और महाराष्ट्र की तो बात ही छोड़िए आप। तो हालात ये है कर्जे की वजह से, और जो है ठीक से हमें टाइम पर जो है फसल के लिए पानी वो बिजली ना मिले, और तो उसकी वजह से भी जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं।